नमस्कार, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शुगर का वृक्ष, शुगर का पौधा कैसा होता है और उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं तथा इसको उपयोग में कैसे लाना है। तो देखिए, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ आपके इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है जो पौधा, ये शुगर का वृक्ष है। इसका नाम ही शुगर का पौधा है, डायबिटीज़ का पौधा इसे बोला जाता है। और इसे देख सकते हैं आप, इसके पत्ते जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं। और ये इसकी एक और ख़ास बात ये है कि अगर मैं यहाँ से तोड़ के इसको कहीं लगा दूँ, यहाँ बीच में से तोड़ के इसको लगा दूँ, तो ये बड़े आसानी से लग जाता है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं सामने, ये एक ही वृक्ष है और इसे हमने तकरीबन आज से 3 साल पहले बस इतना सा छोटा जो है ले आए थे और इसको लगा दिया था और ये लग गया था। इसकी खासियत ये है कि ये टहनियों से ही लग जाता है, इसको किसी फल की आवश्यकता नहीं, बस इसकी टहनियों को काटें और इसको जो है ज़मीन में गाड़ दें, ये बड़े आसानी से लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं आज की तारीख में ये कितना बड़ा हो चुका है। मैं आपको नीचे से इसकी जड़ भी दिखा देता हूँ और आज तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, काफ़ी जो है ये बड़ा हो चुका है ये वृक्ष। और हालांकि घर में तो किसी को डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग जो है, आपको अच्छे से पता है कि मैं आयुर्वेद पे जो है रिसर्च कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों में मेरी रुचि है, तो इस तरह के पौधे जो है हम लोग लाके लगा देते हैं। इसको जो है इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसके 2-3 पत्ते आप जो है निकाल लीजिए और इसको जो है आप खा सकते हैं दोनों टाइम। ये शुगर को जो है नियंत्रित करता है, इसे आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो है एक नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। जैसे कि इंसुलिन हम बाहर से लेते हैं टीके के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से ये नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत पौधा है और ये बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत इसकी मोटाई भी हो जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना मैक्सिमम कितना जो है ये अभी तक हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये शुगर का ही पौधा है, काफ़ी जो है इसकी मोटाई जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वहाँ से लेके, और देखिए ये नीम के पेड़ के साथ साथ ये जो है इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं कितना ऊंचा जो है ये जा चुका है। तो आप सभी लोग भी इस वृक्ष को अपने घर पे लगाएं, अगर डायबिटीज़ है तो भी नहीं है तो भी किसी दूसरों को जो है ये काम आएगा, ठीक है, जिसको डायबिटीज़ की समस्या है उसके काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।